तो दोस्तों यहाँ पे जो आप कीड़े देख रहे हैं ना, ये सभी है रेशम के कीड़े भाई। ये कीड़ा ना, ये देखो ऐसा कीड़ा है ये, और यही अभी रेशम बनाएंगे, फिर ये तितली बन जाता है। चल रही है भाई ये वाली तितली, और ये कोसा बनाती है ये। अच्छा, क्या नाम है इनका? ये तितली है, तसर मतलब। नहीं निकालना रहता तो तितली अंदर ही रहती है, अंदर अंदर ही मार देते हैं हम लोग हॉट एयर ड्रायर से। अच्छा अच्छा, हॉट एयर ड्रायर होते हैं मशीन हमारे पास, इसमें गर्म भाप भाप या ये चलाते हैं एयर, और ये मर जाती है तितलियाँ अंदर में ही जो। अच्छा अच्छा, तो फिर नहीं निकलती है। कृमि जो निकला है ना, एक महीना 10 दिन लगभग का है, मैं ही देखता हूँ इसको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रायपुरियन शिवी चैनल। मैं शिवानी साहू भाई आज अभी आपको दिखा रहे वाली हूँ सेकंड पार्ट हमारे वीडियो का, जो कि होने वाला है राज उत्सव पे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो राज उत्सव हो रहा है उसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने डाल दिया है, ये अपना सेकंड पार्ट होने वाला है। जो लोग नहीं देखे हो अभी जाके फट से देख लो। और अभी भाई माहौल अभी से चालू हुआ है, हम लोग आ चुके थे एकदम 1:30 बजे से, अभी बज रहे हैं अपना 4:30 के आसपास, ठीक है। तो अभी माहौल चालू हो रहा है, अभी अपन सेकंड पार्ट आपको दिखाएंगे। बहुत सारा जो चीज है वो छूट गया था, तो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। थोड़ा आगे आगे आते 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 यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा ये कलाकृति है। अगर थोड़ा सा अंदर जाके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है, पूरा पेंटिंग वेंटिंग बढ़िया सा हो चुका है। ये पूरा है अपना जो लोहा बोल सकते हैं, लोहे का है ना जी, लोहा का है ये पूरा, और बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखिए की रिंग, जो की अपन टांगते हैं ना घर पे, वैसा टाइप का है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर आदिवासी इसमें कलाकृति बनाई गई है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एक एक चीज़ जो है ना इतना यूनिक लग रहा है मुझे देख देख के। इस साइड ये आप देख पा रहे होंगे नाव, एकदम मतलब ना जो हमारा संस्कृति, हमारा जो छत्तीसगढ़ का धरोहर है वो पूरा यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर से यहाँ पे आकृति है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये सभी ना ऐसा सजावट का सामान, सो पीस बोल सकते हैं, जो अपन घर पे रखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे जो लोग हैं जो सजावट करना चाहते हैं ऐसे अपना आदिवासी थीम पे, तो वो सभी ऐसा है। राजस्व में आओगे तो आपको हर चीज़ मिलेगा। लेकिन ये आप देखो, इसको क्या बोलते हैं जी, तोरई बोलते हैं इसको, और इसको बजाते हैं। ये इनका ना मेरे ख्याल से जैसे हमारे में एक औजार होता है ना, जो वो जो बाजा वाजा हो गया, जो एकदम संस्कृति चलते आ रहे हैं, वैसा ही ये बस्तरिया वाला है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इधर से बजाते हैं, शायद ये दिखाने के लिए ही बस होगा, लेकिन ये जो ऐसा रियल वाला रहता है ना वो बहुत अच्छा साउंड करता है। मैं एक बार बस्तर गई थी तो वहाँ पे था, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वो व्लॉग भी जाके देख लो जल्दी से। थोड़ा सा और आगे जाते तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा ये लाइन ही भाई, कोसा वाला जो साड़ी है ना उसी का लाइन है ये, आप देख पा रहे होंगे इस साइड भी ऐसे। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे रुक रुक के अभी नहीं दिखाना चाह रही, क्योंकि हर जगह सेम ही सेम ऐसे साड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये भी यहाँ पे बैठ के हंस रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाते तो ये आप देख पा रहे हैं कि ऐसे अंकल अंकल सब अपना अपना बिजनेस ऐसे चला के रखे हैं, जो कि अपन को सिर्फ और सिर्फ जो राज उत्सव है या फिर ऐसे सभी आदिवासी दिवस जो हो गया तो उस टाइम अपन को देखने को मिलता है। इधर जैसे ही जाते तो ये आप देख पा रहे होंगे लुंगी उंगी टाइप का है, ये सभी भी कोसा का है। अच्छा, ये कॉटन वॉटन का है। अच्छा, ये सभी पूरा कॉटन का है, ये देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ये पैकिंग वैकिंग सब अभी अभी चालू हुआ है, ज़्यादा आपको भीड़ भी नहीं दिख रहा होगा इस साइड से। और ये इस साइड देख पा रहे होंगे पूरा कपड़ा कपड़ा ही लगा हुआ है, सब ऐसे लोग बाग जो है आके यहाँ पे ले रहे हैं, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। अभी देखिए मैं उस साइड से ही हूँ, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के पूरा का पूरा ये जो है कपड़े का ही पूरा कलेक्शन दिख रहा है मुझे, कोसा का हो गया या सूती का हो गया, वो सभी अच्छी क्वालिटी का। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे चल रही है भाई ये वाली तितली, और ये कोसा बनाती है ये। अच्छा, क्या नाम है इनका? ये तितली है, तसर मतलब तितली है, मादा तितली है। अच्छा, काटती वाटती नहीं है? नहीं काटती, क्यों कहा। अच्छा, काटती वटती नहीं है। और ये आप देख पा रहे होंगे अभी हाथ पे चल रही है भाई मेरे। और इधर भी आपको बहुत सारे ऐसे ही मिल जाएंगे जो कि पूरा ऐसे कोसा बनाते हैं। और ये सर निकाल दीजिए इनको, ये अंडा देगी तितली। अच्छा, यही अंडा देती है? हाँ। अच्छा, अंडा देंगी फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो छोटा इल्ली निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप कीड़े देख रहे हैं ना, ये सभी है रेशम के कीड़े भाई। अभी मैं इसको ऐसे पकड़ने वाली, पकड़ सकते हैं ना अंकल? ये आप देख, ओ भाई हाथ में रख सकते हैं सर, ये ऐसी कोसा बनाएगा, हाथ में रख सकते हैं ना? ये कीड़ा ना, ये देखो ऐसा कीड़ा है ये, और यही अभी रेशम बनाएंगे, फिर ये तितली बन जाता है। हाँ, तितली। अच्छा, आगे इसका पूरा प्रोसेस जो है ये तितली बन जाता है, बहुत ज्यादा सुंदर है ये। आप पास से देखेंगे तो आपको दिखेगा कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, और ये काटता वाटता भी नहीं है। अच्छा, काटता नहीं है, इसी के साथ तो मैं आगे भी बोलना चाहती हूँ, लेकिन चलो छोड़ो, ठीक है, काटता नहीं है इसीलिए कुछ कुछ इनके साथ कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे जो बाल वाल है इनके, ये सभी है। और यहाँ पे इनके पूरे भाई बहन, पूरे प्रजातियाँ हैं रखी हुई है, इनके पूरे परिवार है। तो इनका थोड़ा सा एक प्रोसेस बताइए ना। इतना बड़ा रहता है जब निकलता है, ये एंट लाइक
ये आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा रहता है दोस्तों। इससे पहले अंडा रहता होगा, अंडा भी है दोस्तों। आ जाइए इधर से आपको दिखाते हैं अंडा कैसे रहता है। ये हाथ में भी ले सकते हैं इसको। अच्छा ये अभी निकलेगा कि अभी कुछ अच्छा प्रदर्शनी। ये अंडा है जो चिपट चुका है, ये देख पा रहे होंगे। इससे अभी इल्लिया निकल चुकी है, ठीक है। ये है और निकल चुकी है। अच्छा ये है, आप देख पा रहे होंगे पूरी इल्लिया है और यही अभी खा खा के बड़े हो जाएंगी। और उसके बाद ये वाला जो पीछे लगा है सर, अच्छा ये नहीं है, ये अलग है, वो अलग है। अच्छा ये क्या चीज है? ये मलबरी रेशम है। और वो कौन सा रेशम है? ये टसर रेशम है। अच्छा सब अलग अलग नाम का है, सब अलग अलग प्रजाति के कीड़े हैं तो उनका अलग अलग नाम है। बाकी ये देखिए एकदम बड़ा बड़ा नेचुरल होता है लेकिन। अच्छा और वो घर के अंदर करते हैं, उनको बना सकते हैं ऐसा है? घर के अंदर करते हैं जो, उसको भी पत्ते खिलाते हैं लेकिन घर के अंदर। अच्छा और इनको कहाँ पे बना रहेगा उसके लिए? अच्छा और इनके लिए ये बिल्कुल नेचुरल पेड़ में होता है, पेड़ में होता है। अच्छा पेड़ में होता है, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो है ना कौहा या अपन ये बोलते हैं अर्जुना का पेड़। अच्छा उसकी पत्तियां हैं सब, उसकी पत्ती बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। देखो ये भाई इसमें चमकीला चमकीला जो दिख रहा है ना, ये देखो मैं शायद मुझे पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये देखो जो चमक रहा है ना कितना प्यारा लग रहा है। कीड़े बहुत प्यारे हैं दोस्तों। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये सभी कपड़े ना पहने क्योंकि इनका पूरा लाइफ चला जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। बाकी थोड़ा सा और अगर आपको अंदर दिखाए तो ये जो मलबरी है उसका है। अच्छा ये जो बनाएगा ऐसा हाँ। बनाएगा तो यहाँ पे ये जो आप कीड़े देख रहे हैं इनका प्रजाति थोड़ा अलग है, व्हाइट व्हाइट है। शहतूत या जो है मलबरी का पत्ता है जो है। अच्छा अच्छा ये गार्डन के रूप में हम उगाते हैं, उसके बाद इस पत्ती को घर अंदर लाके खिलाते हैं। अच्छा अंदर लाके। और इल्लियां कहाँ से लाते हैं सर? इल्लियां जो है हम बना भी सकते हैं जो है। अच्छा जैसे अंडा बना लेते हैं जो, इससे भी तितली पूरा कृत्रिम रूप से पूरा होता है ये, इससे भी तितली निकलती है, छोटी रहती साइज में। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मतलब ऐसे अंडा वंडा देती है, फिर वैसे ही जैसे वहाँ पे। अच्छा ये मलबरी की ही पत्ती है, अभी लगाए इसलिए बड़ी नहीं है। अच्छा इस टाइप से बढ़ती जाएगी और ऐसी पत्तियाँ हो जाएगी। अच्छा फिर डाला है ऐसी पत्ती। अच्छा फिर उसको ऐसे पूरा मतलब अलग से ऐसे ट्रे में ला के उनको पूरा बनाया जाता है, उनको तोड़ के ला के खिला रहे हैं। अच्छा अच्छा ऐसा है, पूरा प्रदर्शनी ऐसे लगाया गया दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा ये। और इसमें गवर्नमेंट जो है हमको 5 लाख रुपया प्रति किसान दे रही है, मार्जिनल फार्मर हो या फिर और स्मॉल फार्मर हो। अच्छा हमको 5 लाख रुपया दे रही है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं ऐसा करके। अच्छा तो इसके आगे का क्या प्रोसेस है? जैसे कि ये अभी पूरा ककून बना दिए, हाँ। तितली लोग पूरा ऐसे ककून बना दिए इसके अंदर में। अपने को इससे जो है अंडे बनाने रहते हैं, हाँ हाँ है ना, तो तितली निकलवाते हैं जो है, हाँ। यदि हमको अंडे नहीं बनाने हैं और सीधे जो है, हाँ। इसमें करीब 850 मीटर से 1000 मीटर का धागा है। अच्छा एक सिंगल धागा, एक ककून सिंगल, हाँ। अच्छा अच्छा ये लगा हुआ है इसमें, जी जी जी। उसको जो है इस इन मशीनों से सब निकाल लेते हैं हम। अच्छा ये इसमें, हाँ। तो तितलियाँ निकलती है कि नहीं निकलती सर? तितली निकलती है ना तो ये धागा कट जाता है। अच्छा कटा हुआ धागा को फिर स्पन धागा बनाते हैं अपन। अच्छा अच्छा ऐसा है, हाँ। तो जब मतलब कई कई बार जब आपको पूरा जब नहीं निकालना रहता है तो तितली अंदर ही रहती है, अंदर अंदर ही मार देते हैं हम लोग हॉट एयर ड्रायर से। अच्छा अच्छा हॉट एयर ड्रायर होते हैं मशीन हमारे पास, इसमें गर्म भाप भाप या ये चलाते हैं एयर और ये मर जाती है तितलियाँ अंदर में ही जो। अच्छा अच्छा तो फिर नहीं निकलती है, तो इनका जीवन ही मतलब पूरा ऐसे कपड़े बनाने में चला जाता है।